पाकिस्तान ने जो है मुकाबला खेलना है श्रीलंका के साथ, जो कि एक वर्चुअल सेमीफाइनल है। जो टीम मुकाबला जीतेगी वो भारत के साथ एशिया कप का फाइनल खेलेगी। कभी कभी ना आपके एक बहुत खराब दिन आ जाता है। आई थिंक पाकिस्तान का दिन बहुत खराब आ गया और वो उस खराब दिन का बस नुकसान ये है कि अब वो टीम उस कॉन्फिडेंस को या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आगे ना ले कर जाए। ये भी एक पॉइंट ना सुशांत भाई, जो पाकिस्तान के साथ कल हुआ वो हर रोज नहीं होता। एशिया कप 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। वसीम शाह पूरे एशिया कप से बाहर हो गए हैं और भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान आपने देखा होगा कि वो इंजरी के शिकार हुए थे। इंडिया ने क्या किया, इंडिया 68 पर फोर्थ था पहले मैच में, उसने उसी मैच में थोड़ा बैलेंस कर दिया और अगले मैच में इंडिया बेहतर आया। तो अगर आप कंडीशंस की बात करें, सीधा सीधा यार श्रीलंका को श्रीलंका में हराना बहुत मुश्किल है। इंडिया को भी आप देखें यार, कोई आसानी से तो नहीं जीत पाए। और जो उनके रिप्लेसमेंट को लेकर तो चर्चा चली रही थी, लेकिन सबसे पहले तो यही देखा जा रहा था कि बैकअप ऑप्शंस क्या हैं नसीम शाह के। तो एक तो जमान खान थे, एक शाहनवाज दानी थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया है जमान खान पे, अब वो उनके रिप्लेसमेंट होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि वो हारिस राउत और नसीम शाह का रिस्क नहीं ले सकते। आप मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी होगी इन कंडीशन में अगर आप निगल के साथ फास्ट बॉलर का रिस्क लेते हैं, ये देखते हुए कि वर्ल्ड कप इस राउंड इज कॉर्नर। मुझे तो इन दोनों का बड़ा मुश्किल लगता है। आई डोंट थिंक कि कोई चांस होना चाहिए। उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। द ओनली थिंग दैट गोज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इज कि उनके लिए ये कंडीशंस एलियन नहीं। वो तो पहले यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेले, फिर वो लंका प्रीमियर लीग उनके स्थान भी खेले, फिर वो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे तीन वनडे मैचेस खेल चुके हैं। तो ये उनके लिए एक छोटी सी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। स्टार फास्ट बॉलर तो नहीं ही खिलाएंगे ये। अब पता चला जी विकेट भी कल चेंज हो गई, लेकिन श्रीलंका उसी तरह की विकेट पे इनको देगा जिस तरह की विकेट पे कल इंडिया को दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है नवाज को खिलाना पड़ेगा। उसामा मीर को खिलाने के लिए आप जा सकते हैं, हो सकता है कि आगा सलमान भी रहेंगे। तो आपके लिए दिक्कत अब ये है कि आगा सलमान को भी तो चोट लगी हुई है ना। तीन फास्ट बॉलर और दो स्पिनर, आई थिंक आइडियली अगर नसीम शाह और हारिस राउत दोनों बाहर हो जाएंगे तो भाई वसीम जूनियर ही तो बाहर बैठे हुए हैं। वसीम जूनियर अगर अंदर आ जाते हैं और शाहिन शाह अफरीदी भी खेलते हैं और तीसरा इनके पास फहीम अशरफ है, वो जाके तीन बनते हैं। मेरे ख्याल रिजवान पांच पे खेलेंगे यहाँ पे, शायद सौद शकील आपको नंबर चार देंगे। मैं एक बड़ा आंकड़ा देख रहा था, एक स्टैंड देख रहा था, शायद 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के किसी नंबर चार का 100 नहीं है। अगर ये सही है तो यार ये तो बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। रिजवान आई थिंक पांच और सौद शकील आई थिंक चार हो सकते हैं। टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अब पाकिस्तान या श्रीलंका में से एक टीम को मौका मिलेगा टीम इंडिया के साथ फाइनल में टकराने का। अभी क्योंकि अलग अलग लीगों में खेल रहे हैं, चाहे वो द 100 लीग हो जहां मैनचेस्टर ओरिजिनल से ये खेलते हैं, T20 ब्लास्ट में ये डर्बीशायर से खेलते हैं, और इसके अलावा इन्हें PSL में शानदार प्रदर्शन के लिए जो 18 विकेट इन्होंने चटकाए थे एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के ऑफ द सीजन के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। तो आप उम्मीद कीजिए कि जमान खान जो है एशिया कप के बाकी मैचों में अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराएं, अगला मुकाबला पाकिस्तान जीते और फिर फाइनल इंडिया पाकिस्तान के बीच देखने को मिले। अब पाकिस्तान में एक बात मैं जरूर बोलूंगा, पाकिस्तान में क्वालिटी है कि वो कभी भी हार सकते हैं, कभी भी जीत सकते हैं। मतलब हर रोज थोड़ी होगी पाकिस्तान की टीम 128 पर ऑल आउट हो जाएगी, हर रोज नहीं होने वाली चीज। वो क्या है, कल उनका एक कंप्लीट ऑफ डे था। दिस इज येट टू बी सीन क्या कमबैक करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यार कि कितना ज्यादा जो है एक फास्ट बोलिंग ग्रुप के तौर पर आप देखोगे तो बड़ा जबरदस्त, और इसमें से जो एक्टिवली तीन फास्ट बॉलर सभी पाकिस्तान के पास हैं, शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस राउत और नसीम शाह। उनमें से शाहीन अब अकेले पड़ चुके हैं। हालांकि हारिस को लेकर ज्यादा डराने वाली खबर नहीं है, लेकिन नसीम शाह जो हैं वो अब एशिया कप से बाहर हो गए हैं। और दोस्तों, नसीम शाह इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह जमान खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जमान खान का श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू होगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के अहम मैच में श्रीलंका से मुकाबला करना है। अगर पाकिस्तान टीम मैच जीतने में कामयाब हुई तो वो 17 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।